आदरणीय ग्रामवासियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, पूरे देश में लंपी वायरस गौ माताओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है। अतः असामपुर गांव में भी इस वायरस से काफ़ी गौधन का नुकसान हुआ है। हम सोच रहे हैं कि आज सायंकाल, आज शनिवार भी है और आज से कनागत आरंभ हुए हैं, ये तिथि भी अच्छी है, वार भी अच्छा है, तो हम सब मिलकर के असामपुर के जितने भी युवा प्रौढ़ बच्चे जो भी सुंदरकांड करना जानते हैं, वो सभी शाम 5 बजे असामपुर गांव की श्री नरसिंह गौशाला में पहुंचें। वहां बैठ करके सब हम मिलके सार्वजनिक रूप से सुंदरकांड का पाठ करेंगे और वो पाठ हम सब मिलकर के गौ माता को, गौशाला को अर्पण करेंगे, ताकि भगवान कृष्ण जी, भगवान नरसिंह जी हमारे गांव की गाय माताओं की सुरक्षा करें, इस रोग को यहां से दूर करें और हम सब गौ माताओं के लिए प्रार्थना करने के लिए पहुंचें। और अब मेरी विशेष बात ये है, मुझे तो मालूम है कि असामपुर गांव के अंदर सुंदरकांड का पाठ कौन कौन लोग करते हैं। आज शाम को गौ माता के लिए सुंदरकांड का पाठ करने के लिए कौन कौन पहुंचता है, आप और हम सब इस चीज को भी नोट करेंगे कि अपने लिए हम सब करते हैं, लेकिन आज पहली बार अपने गांव की गौ माताओं के लिए सुंदरकांड का पाठ करने के लिए कितने लोग आते हैं, कितने लोग बैठ के करते हैं, ये भी देखने की बात है। भूल मत जाना, वीडियो बनवाया जाएगा, वायरल होगा, अगर आपकी फोटो उसमें नहीं आई तो आपका जानकार आपसे पूछेगा कि क्या गौ माता के लिए आप 2 घंटे नहीं दे सकते थे। सोचे, समझे, उचित हो गौशाला में आए, पुण्य कमाना हो गौशाला में आए, सिर्फ 2 घंटे के लिए 5 बजे से 7 बजे तक समय दीजिए। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जय गौ माता।